हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो स्टूडेंट 2024 या 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 2023 के एग्ज़ाम से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, उस पर मैं आज डिटेल कवरेज करूँगी। और इस कवरेज में कुछ जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा इन बिटवीन रेज किए गए हैं उन्हें भी हम एड्रेस करेंगे। अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो इन सेशंस में एड्रेस नहीं हुई है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जब आपका 2023 एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है, अभी रिसेंटली हमारा जो है सेप्टेम्बर में एग्ज़ाम है, तो एक जो क्वेश्चन आया कि मैम अभी 15 दिन या 20 दिन जो बाकी है हमारे पेपर के लिए, क्या इस समय कोई टेस्ट सीरीज करना या क्लास करना इज वायबल? इट्स नॉट। तो आप कम से कम एक महीने पहले, अगर आप 2024 में भी बैठ रहे हैं और आपका एग्ज़ाम अप्रोच हो रहा है, तो एक महीने पहले अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, वीडियो क्लास, आई वोंट सजेस्ट, इट इज़ अ जेन्यून सजेशन। हाँ, आपको रिस्क लेना है, दैट विल बी योर चॉइस, बट ये मेरा सजेशन नहीं होगा। जो भी चीज़ कर लेनी है आपको, प्रीलिम्स के पहले वाइंड अप करनी है, प्रीलिम्स के बाद रिवीजन करके आपको कॉन्क्लूजन पे ड्रॉ होना है, क्योंकि उसके बाद आपका जीएस का प्रेशर ही इतना ज़्यादा रहता है। और अगर उस वक्त भी आपको जो है अपने कॉमर्स ऑप्शनल पे देंगे, दैट इज़ नॉट अ वायबल। ये ऑप्शनल आप जो चूज़ करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, इसको वेल इन एडवांस आपको प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद क्या अप्रोच रहना चाहिए, तो हम प्रीलिम्स के बाद का जो सेशन है उस पर डिटेल में कवर अप करेंगे। और अगर आपको कोई और आइडियाज़ लेने हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो अब आप 2024 के स्टूडेंट हैं और 2023 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, सो कैसे करना है? थ्री फॉर्म में हमारा जो है कवरेज होता है। एक, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने कोर्स को वन टाइम कवर अप कर लिया है, इससे आपको पता है आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, चैप्टर्स कौन से हैं, सिलेबस आपका क्या है, एक अच्छी खासी आपको नॉलेज हो चुकी है, और कुछ केस में आपको टॉपिक्स का भी आइडिया हो गया कि हाँ इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने अभी पार्शियल कवरेज किया है, यानी पार्शियल कोर्स कवर अप किया है वन टाइम, उनको भी ब्रीफ पिक्चर क्लियर होती है 50% to 70% कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन है, कैसे पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। एंड द लास्ट केस ऑफ द स्टूडेंट इज जिनको नॉलेज नहीं है और उन्होंने अभी वन टाइम कोर्स कवर अप नहीं किया, या 25% या उससे लेस उनकी कवरेज है। तो आप इन तीनों में से किस कैटेगरी के हैं, उस हिसाब से आपको 2023 के एग्ज़ाम का बेनिफिट लेना होगा। जिस केस में मैं बोलूँगी कि ये बेनिफिट आप तीनों कैटेगरी, तो आप अपने केस में उसे अप्लाई कर सकते हैं। सो आपका जब मेंस अप्रोच होगा, आपका कॉमर्स एंड ऑप्शनल, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का ऑप्शनल का आपका पेपर आएगा। अगर आप फर्स्ट टू कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनको ब्रीफ आइडिया है सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या हैं, और थोड़ा बहुत आइडिया है टॉपिक्स के बारे में भी, आप ग्रेजुएशन या अपने प्रोफेशनल कोर्स से भी लिंक कर पा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग जैसे 2023 का हमारा जो मेंस का पेपर होगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, आपको वो पेपर लिखना है। कॉपी से देख के नहीं, बुक से देख के नहीं, गूगल को नहीं यूज़ करना है, आपको एज इट इज़ ये अपने आप को ट्रस्ट दिलाना है कि नेक्स्ट ईयर इस एग्जामिनेशन हॉल में ये सेम पेपर मैं लिखने बैठूंगा या बैठूंगी। यू हैव टू बिलीव दैट थिंग एंड यू हैव टू डू इन 2023 इटसेल्फ। 1% भी अपने ऊपर शक नहीं करना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। और आपको इसके आंसर राइटिंग करनी है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, आप कितने ड्यूरेशन में कर सकते हो, विद इन 1 month हमारा जब पेपर आउट होता है, आप अगर विद इन 1 month इसे अप्लाई कर लेते हो, आप इसे हमें ईमेल करके इस कॉपीज़ को चेक भी करवा सकते हो, वेरीफाइड भी करवा सकते हो, ठीक है। उसमें आपको आपके क्या प्रॉन्स एंड कॉन हैं, या आपको क्या प्लान करना चाहिए 2024 के लिए, क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी चाहिए, वी विल गाइड यू, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट टू कैटेगरी को हो, फुल कवरेज फर्स्ट टाइम और पार्शियल कवरेज वालों में से हो, तो आपको ये करना चाहिए, आपको विद इन 1 month के अंदर अपनी आंसर राइटिंग करनी है, और बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को रूम में रखें, कंप्लीट आइसोलेशन करें खुद को, अगर जो है 2-3 घंटे का समय दें और जितना आता है उतना लिखिए। और अगर जो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा है उसमें आपको एक सजेशन दूंगी, आपको बनाना है ट्री डायग्राम, इससे बस हम ये देखेंगे कि आप कितना सोच पा रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अपीयर कैसे करना है, सेम यूपीएससी पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1 and 5 जो अब तक का आ रहा है, अगर वो सेम रहा तो क्वेश्चन नंबर 1 and 5 मैंडेटरी, एंड आपको बाकी 3 questions जो हैं वो चूज करने होंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी से। ऐसे ही आपको पेपर 1 करना है और ऐसे ही आपको पेपर
टू भी करना है। इससे हम ये भी देख पाएंगे कि आपका अभी तक कितना कवरेज है और कितना अभी पेंडिंग है। अगर आप एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं हमारे पास तो भी आप इस को बेनिफिट को अटेन करें, अपने पेपर को कंप्लीट करें और अपने स्टूडेंट आईडी कोड के साथ उसे टीम को ईमेल कर दें ताकि टीम उसे जो है उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर कर सकें। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी, जिन्होंने सिलेबस का आइडिया नहीं है, जिन्होंने टॉपिक का नहीं, यानी जो 25% से बिलो करते हैं, जिनको अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, उनको कैसे करना है। सो मैं ये मान के आ रही हूँ डेफिनेटली आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा या आप थर्ड ईयर में होंगे या सेकेंड ईयर में होंगे, और आप एक या तो ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किया होगा टू द एक्सटेंट, तो कुछ आज सब्जेक्ट आपके नोन होंगे, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, ऑडिट हो गया, कॉस्ट हो गया, FM होगा, पेपर वन में इतने सारे सब्जेक्ट आपके नोन में होंगे। FI हो सकता है आपका उतना नोन ना हो, क्योंकि ये हमारा मेनली लिंक होता है GS पेपर 3 में, ठीक है। तो FI अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं कॉलेज से तो आपको क्लियर होगा, केवल प्रोफेशनल कोर्स करके आ रहा है तो डिपेंड आपका प्रोफेशनल कोर्स। तो मैं ऑन एन एवरेज ले रही हूँ 75% आपके नोन में होंगे टॉपिक। पेपर टू में डिपेंड, अगर आप MBA या मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं तो आपको क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं। तो आपको क्या अप्रोच करना है, आपको पेपर वन में आपको कंप्लीट जो है उसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और पेपर टू के व्यू पॉइंट में आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। आफ्टर टेकिंग सम टाइम हम आपकी अगर कोई क्वेरीज या कोई डिस्कशंस रेज्ड होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के बाद इन क्वेश्चन पेपर का हम डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे, और अगर कुछ स्टूडेंट ने इनके आंसर सबमिट किए होंगे उनके पेपर हम चेक करके उन्हें अगर हम रिवर्ट कर पाएंगे उतने ड्यूरेशन में तो उनके भी व्यू पॉइंट्स एंड जजमेंट भी कवर अप करेंगे। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट ने रिसेंटली मेंस हमारा लिखा उनके भी व्यू पॉइंट्स एंड जजमेंट्स को हम इसमें कंपाइल अप करके एक फाइनल आपके पास आउटपुट लेके आएंगे। तो आपको 2023 मेंस का फुल बेनिफिट उठाना है, आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना कि मेरा इतना सिलेबस नहीं था, मुझे ये टॉपिक नहीं पता था, मैंने ये नहीं किया। जितना पता है उतना आप एग्जीक्यूट करेंगे। पहली कोशिश आपकी रहनी चाहिए फुल फ्लेज UPSC पैटर्न के फॉर्म में आपको आंसर राइटिंग करना है, दूसरी कोशिश होनी चाहिए, नहीं तो ट्री डायग्राम यानी आपकी सोच कितनी डाइवर्सिफाई है हम उसे चेक करेंगे, क्लियर। और थर्ड केस में जस्ट ट्राई टू लिंक इट अप, बट एक्सक्यूज मत बनाओ। अगर आपको डेफिनेटली खुद को देखना है 2024 के मेंस में, सेम फीलिंग सेम कॉन्शियसनेस के साथ आपने 2023 के मेंस का राइटिंग लिखना है। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि जिस दिन एग्जाम हुआ या उसके नेक्स्ट डे बैठना है, एकदम खुद को रिलैक्स रखो। हमें यहाँ पे दूसरों से कॉम्पिटिट नहीं करना है, हमें यहाँ पे खुद की रेस खुद ही जीतनी है। तो आप वन मंथ का मैंने आपको एक वाइड रेंज दिया है, उस पूरे वन मंथ के अंदर अंदर आपको लिखना है और उसे सबमिट करवा देना है, ठीक है। तो कोई प्रेशर नहीं लेना कि एक्स ने लिख लिया या आज पेपर आ गया तो आज ही लिखना, नहीं, हमें बेनिफिट निकालना है उससे, ठीक है। सो बेनिफिट के लिए आप पूरा टाइम रेंज लें, उसे एग्जीक्यूट करें, और उन इन बिटवीन इफ पॉसिबल हम एक डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे जो आपके लिए एक वैल्यू एडिशन का काम भी करे। बट एक्सक्यूज नहीं बनाना है अगर आपको मेंस 2024 में बैठना है तो, ठीक है। सो आपने ये एग्जीक्यूशन करना है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, अभी पूछ लो, जितनी बार पूछना है पूछ लो, लेकिन एग्ज़ाम डेट आने से पहले, ठीक है। सेशंस जो हैं, बहुत सारे सेशन हमने एज अ सैम्पल फॉर्म इशू किए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। HRM की बहुत सारी टर्मोलॉजीज़ जो न्यूज़ पे आती है वो भी हमने इशू कर रखी है। साथ ही साथ इनकम टैक्स के काफ़ी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल की व्यू पॉइंट की जब बात की जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट ने क्वेरी भी रेज की कि मैम कितने न्यूमेरिकल करना ठीक रहेगा, आई हैव अ क्वेरी इन फ्रंट ऑफ मी। कोई लिमिट नहीं है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। इन वीडियो सेशंस के थ्रू स्पीड में करके खुद का टेस्ट भी ले सकते हो, अपनी स्पीड को इम्प्रूव भी कर सकते हो और एक नए कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो। तो कई सारे बेनिफिट हैं, आपको बेनिफिट लेने आना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज 100 न्यूमेरिकल ऑलरेडी कवर्ड हैं, और कई टाइम टू टाइम हम और भी न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। सो 100 न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है, उसके बाद हम और भी जब प्रैक्टिस करते रहेंगे उनका बेनिफिट लो। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, बेसिक कवरेज करनी है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। तो प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है, डिफरेंट सेशन है, एज अ सैम्पल सेशन है, जिसे आपको आइडिया लग सकते हैं कि आप कैसे अपने लिए रोड मैप बना सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो केवल बुक से तो आपको क्लियर हो सकता है आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है
कैलकुलेटर पेपर वन में ही अलाउड है, तो आप पेपर वन पे घर पे भी प्रैक्टिस करते वक्त कैलकुलेटर का यूज़ करें। पेपर टू में ऑब्वियसली आपको नीड नहीं है, तो आपको कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं होगा। प्रीलिम्स में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। कैलकुलेटर पे भी एक स्टूडेंट ने क्वेरी रेज की थी, जो कि हमने ऑलरेडी यूपीएससी नोटिफिकेशन के थ्रू कवर अप की है, बट स्टिल ये क्वेरी रेज आई। सो आई वांट यू कि आप इन सब चीज़ों पे टाइम ना वेस्ट करके आप क्वेरी शूट आउट करें और अपने प्रिपरेशन पे पूरा कंप्लीट होलिस्टिक फोकस रखें, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, एमसीक्यूज खुलेंगे कि मैम जैसे कई प्लेटफॉर्म पे हमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलते, तो क्या वो करना चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं, बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी। क्वेश्चन ये है, आप प्रीलिम्स की जब प्रिपरेशन करते हैं और आपने बुक से पढ़ी पूरी डिटेल, थ्योरिटिकल नॉलेज ले ली और बहुत अच्छी नॉलेज ली, क्या आपको लगता है वो सफिशिएंट रहता है आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए? अगर हाँ है आपका आंसर, सो यू आर लाइक रियली ब्लेस्ड, बट अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है ताकि आपका एक रोड मैप बने। लेकिन कॉमर्स ऑप्शनल एमसीक्यू का एग्जाम नहीं है, ये डिटेल राइटिंग है। वहाँ पे एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी वोकैबलरी एंड आंसर राइटिंग, डिटेल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है, एमसीक्यूज की नहीं। तो जिन स्टूडेंट ने ये क्वेरी रेज की थी एमसीक्यूज को लेके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है तो आपने एमसीक्यूज पे ध्यान नहीं देना है, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है आपको वही तैयारी करनी है, डिटेल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, तो प्लीज अपना टाइम अननेसेसरी वेस्ट ना करें, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटजी करें, एक रॉन्ग अप्रोच करके आप मेहनत तो कर रहे हो बट एक स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं ले रहे हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। सो हमने एमसीक्यूज के बारे में भी जो क्वेरी आई थी उसको डिस्कस किया, न्यूमेरिकल की क्वेरी भी मैंने आपको बता दी। इस सेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर्ड हैं और टॉपिक्स कवर्ड हैं, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के 20 प्लस सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब आपके मन में आएगा मैम और जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से मिलेंगे, तो वो हमारे करेंटली सिर्फ टेस्ट सीरीज का पार्ट है, एंड विद टाइम हमारे वीडियो कोर्स में भी, जो फुल फ्लेज वीडियो कोर्स है उसमें भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद सिलेबस है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात है, तो आपको मैक्सिमम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अगर आपको एग्ज़ाम में एक्चुअली में विन करना है, ठीक है। तो ये रेस आपके किसी और के साथ नहीं है, आपके खुद के साथ है, और मैं बिलीव करती हूँ कि आप लोग बहुत ही वाइड रेंज में अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे और 2023 के मेंस के टाइम जो आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का होगा उसमें आप पेपर को अपीयर करेंगे, हमें पेपर को सबमिट करेंगे और अपने पेपर को चेक कराएंगे, खुद को वेरीफाई कराएंगे और एक रोड मैप लेंगे। हम हर एक इंडिविजुअल पेपर्स को चेक करेंगे, डोंट वरी कि आप जो है ऑन द नेक्स्ट डे सबमिट कर रहे हैं, विद इन वन मंथ का मैंने वाइड रेंज दिया है, क्योंकि मेरे को ये नहीं करवाना कि आप दूसरे को देखो अरे उसने कर लिया या पेपर आ गया तो करा, नहीं, आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है और कब मिल रहा है हमें तब देख के चलना है, ठीक है। तो इसमें हम ये भी एनालिसिस करेंगे इंडिविजुअल पेपर वाइज की आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और आपको रोड मैप कैसे लेना है, ठीक है। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में कंप्लीट प्रिपरेशन जो है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको दी बेस्ट विद टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहूँ। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, मेरी कोशिश यही रहेगी आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं उनको दी बेस्ट मैं आपको दे सकूं, लेकिन आपको उसका बेस्ट यूज़ भी करना है, ठीक है। सो इट शुड बी लाइक यू हैव टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। आपके पास बेनिफिट रखा है लेकिन आप लेना ही नहीं जान रहे हो, सो इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है। सो आप प्रॉमिस करें कि आप 2023 के मेंस का कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और मेरी जनरल सजेशन आपको ये भी रहेगी कि आप जीएस पेपर को भी अगर कर सकते हैं या एसए के टॉपिक को भी कर सकते हैं तो आप उसे डेफिनेटली करें, ताकि आप 2024 के मेंस के लिए थोड़ा बहुत जो हमारे मन में डर रहता है या हमारे क्वेश्चनिंग रहती है कि हमारी प्रिपरेशन ट्रैक पे है कि नहीं, या हमें आने वाले टाइम में कितना प्लानिंग करना है या क्या बचा है, वो आपको बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। सो माय सजेशन इज़ कि आपको जीएस एंड एसए में भी ये सेम चीज़ एग्जीक्यूट करनी चाहिए। स्टिल यू कैन चेक योर ओन लेवल ऑफ प्रिपरेशन, जितना भी हुआ हो कोशिश करो कि ये मेन्स को ऐसे ही लेके बैठो कि आपका मेन्स है और 2024 में आपको बैठना है, आपको मेन्स लिखना है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, जस्ट You have to do it. So, I promise karo, I believe you will execute if you really want to write a mains and if you really want to become an officer. So, take care. Bye-bye and Jai Hind.